ढूंढे जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे अंजन दांत का मंजन, चाट का खट्टा, लड्डू का मीठा, फूली इडली या नरम केक, अपने हो जाए घर की यही करे सफाई, पड़े बीमार तो इसी से मिले दवाई, जब सब कुछ केमिस्ट्री तो क्यों नहीं मन भाई। तो आज बिना डरे बिना घबराए खेलेंगे खेल अंजन मंजन का। अंजन मंजन बहती है यहाँ राज्य गुजरात जगह आनंद। ऐसा चला सहकारी आंदोलन कि ये बन गया देश की दूध की राजधानी। इस आंदोलन को जन्म देने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन के शहर में आज खुदबुद। आनंद की शान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का स्कूल आनंदालय। आनंद में सबसे बड़ी खासियत क्या है? दूध। तो दूध के खेल के साथ थोड़ी साइंस करें। प्लेट में थोड़ा दूध और रंग की कुछ बूंदे, क्या लगाया उस पे? सोप। जैसे ही हम साबुन लगाते हैं सारे के सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, कलर अब मिक्सअप हो रहे हैं। दूध में फैट होता है तो जब सोप उसमें डाला जाता है तो उस जगह का जो फैट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब साबुन रंग में डाला जाता है तब वो रंग को लेकर उससे दूर दूध से दूर जाता है। दूध की नगरी आनंद में इस छोटे से खेल के साथ आगे किसी ने सीक्रेट मैसेजेस के साइंस खेले? सीक्रेट मैसेजेस, खुफिया संदेश खेलने के लिए सजा सामान, सब आसानी से मिलने वाली चीजें। इस टेबल को क्या नाम दे? खाली टेबल। तो मुझे लगता है कि हम लोग लेमन का यूज करके अपना मैसेज पेपर पे लिख सकते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने गलती से थोड़ा सा साबुन खा लिया। साबुन इतना कड़वा था मुझे दो दिन तक अपनी जीभ का टेस्ट मालूम नहीं पड़ा था। जितनी उसकी स्मेल अच्छी होती है उतना ही खराब उसका टेस्ट होता है। कुछ खट्टी और कुछ बुरे स्वाद वाली लेकिन आसानी से मिलने वाली चीजों के साथ खुफिया मैसेज। कोई निचोड़ रहा है नींबू तो कोई घोल रहा है साबुन। किसी के काम आ रहा है सिरका और किसी ने उठा लिया है अंगूर। ग्रेप्स को क्रश करके उसका जूस से मैं लिख रहा हूँ। ऑरेंज जूस और लेमन जूस तो बहुत लोग यूज करते हैं इसलिए मैंने ग्रेप जूस यूज किया है। वैसे मुझे नई नई चीज़ें देखना और एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं मिल्क और लेमन जूस को मिक्स करूं तो क्या होगा। दूध और नींबू मिलने पर तो दूध फट गया, ये भी केमिस्ट्री। मैंने साबुन को पानी के साथ मिक्स करके अपना सीक्रेट मैसेज लिखा है। मैंने लेमन जूस और ग्रेप जूस को मिक्स करके मेरा नाम लिखा है। मैंने बेकिंग पाउडर को पानी में मिलाकर उसको ईयरबड में लेके अपना नाम इस पेपर पे लिखा है। तो जब दिख ही नहीं रहा तो लिखने का क्या फायदा है?
वही तो सीक्रेट मैसेज है। जो हो भी और नहीं भी, वही तो है सीक्रेट राज, और यही है विज्ञान। मैंने जब कैंडल से उसे जलाया तो थोड़ा थोड़ा वो मेरा नेम दिखने लगा। मैंने ग्रेप का जूस यूज किया था और थोड़ा पार्ट बर्न हो गया, पर जो पार्ट अच्छी तरह से दिख रहा था वो क्लियरली दिख रहा, आप देख सकते हो। मैंने लेमन से लिखा था और हीट करने पर वो सीक्रेट मैसेज लिखा। मैंने सोचा था वो रहस्य की बात होगी, पर कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब है कि मिल्क से कुछ नहीं होता है। जो नींबू में एसिड का पार्ट होता है वो बाहर निखर के आया और ये मैसेज दिख रहा है। शायद लेमन के अंदर का एसिड पेपर को वीक कर देता होगा और इसी वजह से पेपर जल्दी से फायर कैच कर लेता होगा। ये क्या है? रेड कैबेज। तो ये जो टेबल पे रखा है ये क्या लगता है, क्या है? इसका जूस। लाल पत्ता गोभी को गरम पानी में पकाकर बनाया गया खराब रस। खराब खुशबू, खराब महक वाले रस में नींबू का रस। कलर लाइट लाइट हो रहा है कि ब्राइट? नींबू के रस ने बदल दिया रंग, गाढ़े गुलाबी से बदलकर सुर्ख लाल। बारी साबुन की, क्या बन गया? ग्रीन। एसिड अम्ल में लाल और बेस क्षार में हरा। लाल पत्ता गोभी का रस इंडिकेटर है, एक सूचक। जो इंडिकेटर सॉल्यूशन था उसमें थोड़ा विनेगर पोर किया और मुझको रेडिश कलर मिला। ग्रेप्स डाला और थोड़ा देखा कि कलर थोड़ा लाइट हो रहा है और ब्राइट हो रहा है। खिलाड़ी बने एसिड बेस के खोजी, गार्डन बन गया केमिस्ट्री लैब। बेकिंग सोडा डाला तो एकदम से कलर चेंज हुआ और ऊपर बुलबुले आ गए। मैंने सारी चीजें डाल दी जितनी थी और मैंने जब डाला और मिक्स किया तो ये कलर आया था। कलर बताता है कि क्या चीज कितनी ज्यादा खट्टी या कड़वी है। सूख गया क्या? हो गया तुम्हारा? हाँ मेरा तो हो गया। हाँ ये लो, अभी इस पे सिरका लगाओ। ठीक है। कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, मैं साबुन लगा के देखती हूँ। ये देखो। अरे वाह, इसका मतलब हल्दी भी इंडिकेटर है। हल्दी ने तो काम कर दिया, और आप भी अलग अलग चीजें ट्राई कीजिए। क्या आपको पता है बहुत सारे फूल और प्याज भी इंडिकेटर का काम करते हैं। और अभी चैलेंज। आज हमारे साथ हमेशा से ज्यादा खिलाड़ी, इसलिए आज 6 की जगह 8 चैलेंजर्स। मलय का तो स्टाइल बस अपना ही। दोस्त मुझे मोटा मोटा कह के कभी कभी चिढ़ाते हैं और कभी कभी मेरे को मलिका शेरावत करके चिढ़ाते हैं। नाम का मतलब है सूरज की धूप और मित्रों की पसंद भाजी पाव जो मेरे पापा को अच्छी लगते हैं और पिज्जा जो मेरी मम्मी को अच्छा लगता है। पकड़न पकड़ाई खेलने में विश्रुत कभी 10 नहीं बनाए जाते, ऐसा क्यों? टीचर क्योंकि मैं जब डांग देता हूँ तो किसी को छूता नहीं, सुबह ऐसे ही घूमते रहता हूँ। गिटार बजाती है आश्मी और अच्छी लगती है पढ़ाई। सदा मुस्कुराती अगली खिलाड़ी को दोस्त ट्यूब लाइट क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मेरा नाम रोशनी है तो उजाला होता है तो ट्यूब लाइट बुलाते हैं। ड्रामेबाज अनिरुद्ध को कहा बताओ अपने बारे में कुछ मजेदार, तो ड्रामा। भूगोल की क्लास में अक्सर रागिनी को पलट कर देखते हैं सब क्यों भला? जब टेक्स्ट बुक में रागी के बारे में पढ़ना आता है तो मुझे सब लोग सबसे पहले मेरे सामने देखते हैं। दूसरों को जल्दी से हंसा सकता है और दोस्त बना सकता है आदित्य। आज 4-4 सदस्यों की 2 टीम्स। विज्ञान विजेता।
खट्टे वैज्ञानिक। आर वी रेडी टू प्ले? यस। एसिड बेस का खेल हो और ज्वालामुखी ना फूटे, ऐसा कैसे हो सकता है? यही है आज की चुनौती। बनाना है ज्वालामुखी दिए गए सामान के साथ, और जमा करनी है उससे निकलती गैस भी। एक जितना समय एक जितना सामान। बेकिंग सोडा और सिरका बोतल में आए। क्या गुब्बारे में जमा होगी गैस? हमने बेकिंग सोडा को बलून में भरकर बोतल में डाल दिया और बोतल को अंदर पानी भरा हुआ था। उसमें पानी था कि वी नहीं कर लेता। तो क्या हुआ, आपको कैसे पता कि गैस बन रही है? इससे पता चला कि उसके अंदर बुलबुले हो रहे थे। अम्ल और क्षार मिले तो हुई रासायनिक प्रक्रिया, बनी गैस, उठे बुलबुले। दोनों टीमें पूरे विश्वास और ध्यान से कर रही हैं काम। हमने वॉल्केनो में रेड कलर डाला ताकि लावा का फील आए। जितना सब कुछ डाल दें, जितना डाल दें। मैम, हमने गैस बलून में स्टोर भी कर दी। यस टीचर जी। पहली प्रस्तुति वैज्ञानिक विजेता की। सोडा और सिरका अंदर। वोल्केनो इरप्ट इसलिए नहीं हुआ, एक पॉइंट था कि हमारे पास विनेगर ज्यादा नहीं था, और दूसरी बात कि हमारा बहुत सारा बेकिंग सोडा फैल गया था, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाया था। क्योंकि हमने शायद कुछ ज्यादा डाला था या फिर कुछ कम। कैसे पता चलता है कि किसी चीज में गैस प्रोड्यूस हो रही? क्योंकि देखिए वो चीज की साइज बड़ी होने लगती है। कैसा लगा? एकदम मस्त लगा। बारी खट्टे वैज्ञानिक की। नोट्स बढ़िया, अब देखते हैं काम। झाग आया ऊपर और ज्वालामुखी फूटा। तो क्या सीखा? हमें हर काम प्रॉपरली करना चाहिए। जब गैस किसी चीज में प्रोड्यूस होता है, तब वो गैस वो चीज के आजू-बाजू प्रेशर एग्जर्ट करता है, और अगर वो चीज फ्लेक्सिबल हो तो वो एक्सपैंड होगी, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें गैस है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो क्या कर सकते थे उसे टेस्ट करने के लिए? नहीं पता। वॉल्केनो बनाने के लिए हमें एग्जैक्ट अमाउंट लेना चाहिए विनेगर और बेकिंग सोडा का, नहीं तो वहीं ठीक से इरप्ट नहीं होगा। वैसे एसिड और बेस मिलने पर क्या होगा, क्यों होगा? जो होगा वो यूं होगा। अम्ल एसिड पानी में जाकर छोड़ते हैं हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस, जबकि बेस क्षार पानी में छोड़ते हैं नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस। बस ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में बनता है एक लवण, सॉल्ट और पानी। सॉल्ट कौन सा, इस पर निर्भर कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस साथ मिले हैं। आज सभी खिलाड़ियों की समझ बूझ खूब अच्छी। खट्टे वैज्ञानिक को पुरस्कार उनके बढ़िया मॉडल, कौतूहल और नोट्स के लिए। टीम वैज्ञानिक विजेता को पुरस्कार अपने प्रयोग पद्धति और समझ बूझ के लिए। देखा जाए तो हम चलते फिरते केमिस्ट्री लैब हैं। बताओ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हाँ, हम खाना खाते और उसे पचाते हैं। ओके, और हाँ, हम सांस लेते हैं। बराबर, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हुआ ना केमिस्ट्री का खेल? खेल वही तो खेलेंगे वहाँ। भारतीय रेल का एक बहुत बड़ा जंक्शन, राज्य मध्य प्रदेश, ईटा और रस्सी से मिलकर बना, जिसका नाम इटारसी है आज हमारा धाम। टैगोर विद्या मंदिर स्कूल में आज खुदबुद की पूरी तैयारी, और बच्चे भी तैयार अपने रोबीले जोश के साथ।
केमिस्ट्री के खेल में जोश फूंकने के लिए बिछ गई मेज। मोमबत्ती है, कुछ रसायन, पर माचिस या लाइटर गायब। क्या उसके बिना जल जाएगी मोमबत्ती? क्या हुआ ये? मैम, आग जल गई। वो एक प्रकार की वस्तु है जिसमें वो आग जल गई। साधारण मोमबत्ती, पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े और तरल क्रोमिक एसिड के बीच एक बार फिर प्रतिक्रिया का समय। इस रिएक्शन में पैदा होती है गर्मी, जिससे जल जाती है मोमबत्ती। खेल आगे, बुझानी है मोमबत्ती। फूंक मारी, हो गया काम। लेकिन अब क्यों नहीं बुझ रही मोमबत्ती मुंह खोलकर फूंकने पर? ध्यान दें, सांस वही, तापमान अलग। तो कैसी आई? ठंडी हवा इसलिए हो रही थी क्योंकि वो पतली जगह से निकलकर फैल रही थी, जिसके कारण वो ठंडी हवा निकल रही थी मुझसे। फूंक मारते तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। फूंक रहे थे तब मैम उसको बाहर निकलने में छोटा स्पेस मिल रहा था, और बाहर जाके वो जल्दी फैल जा रही थी जिससे वो ठंडी हो जा रही थी। और इस वजह से ठंडी हवा जाने के कारण जो मोमबत्ती का इग्निशन टेम्परेचर था वो जल्दी लो हुआ और वो बुझ गई। खूब खुदबुदा रहे हैं दिमाग, खुल रहे हैं राज। खेल आगे, बेकिंग सोडा और सिरके के साथ। एक बार फिर दोनों को मिलाकर होगी केमिस्ट्री, लेकिन इस बार खेल अलग। सोडा था और विनेगर था, उसमें उसको मिलाने से जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई, क्योंकि उस सोडा और विनेगर में कार्बन डाइऑक्साइड थी और कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है और ऑक्सीजन से जल जाती है। जो विनेगर और बेकिंग सोडे को मैम मिलाते हैं तो मैम उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो मैम कैंडल्स बुझ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं देख सकते। विनेगर है मैम, ये एसिडिक होता है, और जो सोडा है वो बेस होता है मैम। जब भी एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जलाने में केमिस्ट्री, आग बुझाने में भी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री। तो कौन है आज के 6 खिलाड़ी? वो जो बने हैं केमिस्ट्री के चैलेंज के लिए आगे। नाम का मतलब शांति, अमन। शांति से ही करता है होमवर्क। होमवर्क जो हमें मिलता है मैम वो तो हम कर लेते हैं, और मैम अगर साइंस का होमवर्क हो तो करने में ज्यादा मजा आता है। मेनका की आंखों की चमक बढ़ जाती है किस फल को देखकर? मैंगो, मैंगो। विज्ञान है शिवानी को प्यारा, तो कौन अच्छा वैज्ञानिक हमने पूछ डाला? जो करके देखता है, खुद से करता है, वो अच्छा वैज्ञानिक। सूरज के नाम वाले आदित्य सूरज की ही तरह चमकाएंगे पापा और इटारसी का नाम। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं मैम, माहौल बहुत अच्छा है, सब फ्रेंडली रहते हैं मैम। आशुतोष बनेगा मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ नया करना बनाना इनकी पसंद। श्रेयांश को बनना है एक्टर और कॉमेडी करके हंसाएगा सबको। खुदबुद, खुदबुद, खुदबुद। ज्वाला जंजा, आग बचाओ जेम्स, अग्निपथ रेंजर्स। Thank you.
चैलेंज के लिए तैयार? Yes, ma'am. आज के चैलेंज के लिए तीन तीन मोमबत्तियाँ तीन अलग अलग लंबाई की, एक बर्तन मोमबत्तियाँ चिपकाने के लिए, बेकिंग सोडा, सिरका और माचिस। आज का चैलेंज एक प्रयोग, तीनों मोमबत्तियों को बर्तन में चिपकाकर जलाना है और बर्तन में ही सिरके और सोडा को मिलाकर बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखना है, समझना है कि क्या होता है और क्यों। खेल के समय हम रखेंगे प्रयोग पद्धति, टीम वर्क और हर पहलू पर नजर। आराम से डाल। क्या होता है, क्यों और कैसे होता है, ऐसा करो तो कैसा होता है और वैसा करो तो कैसा, यही देखना परखना सोचना और बूझना ही तो विज्ञान। बस सवालों को उठते रहना चाहिए। हर बार सबसे पहले सबसे नीचे वाली मोमबत्ती क्यों बुझ रही है? बुझती मोमबत्तियाँ, जलते दिमाग। मैम, हमने विनेगर शायद से ज्यादा डाल दिया था या सोडा ज्यादा डाल दिया था, मैं उस कारण नहीं बुझ पाई थी शायद। समय प्रस्तुति का, क्या समझे हैं खिलाड़ी? एक्सपेरिमेंट करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कैंडल को जलाया, फिर हम सिरका मिलाकर उसमें सोडा डाला। मैम, उससे मैम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैम उसके फ्लो थी, जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल रही ऊपर उठ रही थी गैस, तो मैम उससे मैम गैस कैंडल्स में लगी तो मैम कैंडल बुझ गई। कार्बन डाइऑक्साइड का झाग बहुत तेज था, इसके कारण वो मैम मोमबत्ती की मैम ऊपर आ गई थी, इसके कारण उसके झोंके से जल के वो बुझ गई। जो सबसे छोटी वाली थी मैम वो बुझ गई मैम, उसके फिर दो तीन सेकंड बाद मैम जो उसके इस तरफ वाली थी मैम वो बुझी, फिर उसके पाँच छः सेकंड बाद मैम वो भी बुझ गई सबसे लंबी वाली। मैम, इससे समझ में आया कि मैम जो CO2 गैस जो नीचे वो होती है मैम, मतलब जो प्रोड्यूस हुई थी मैम, वो धीरे धीरे ऊपर उठी और जैसे जैसे ऊपर उठती गई वैसे वैसे ऊंचाई के हिसाब से सबसे छोटी वाली को पहले बुझा दिया, मीडियम वाली को दूसरी बार में और सबसे ऊंची वाली को तीसरी बार में। जो हम थियोरेटिकल पढ़ रहे थे मैम, पढ़ते थे बुक में, तो हम भूल भी जाते थे और मैम आज तक हमने उसका प्रैक्टिकल नहीं करा था। आज हमने उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बारे में लिखा, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। समय पुरस्कार का, खूब खेले सब खिलाड़ी और जान लिए केमिस्ट्री के कई राज। ज्वाला जंजाल को पुरस्कार अपनी बढ़िया प्रयोग पद्धति के लिए, तो अग्नि रेंजर्स भी खेले समझे खूब। आग बचाओ चैंप्स की प्रस्तुति सबसे बढ़िया, उनको भी पुरस्कार। जो डर गया समझो मर गया, तो केमिस्ट्री से मत डरिए और खुदबुद 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 खुदबुदाते रहिए। बाय। खुदबुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुदबुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@विज्ञानप्रसार.gov.in।